गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रणय गुंडगे एंड टुडे वी विल लर्न अ न्यूमेरिकल ऑन मेश एनालिसिस और केवीएल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मेश एनालिसिस या फिर केवीएल के ऊपर। तो केवीएल के न्यूमेरिकल में या फिर मेश के न्यूमेरिकल में आपका सर्किट गिवन रहेगा और पूछा जाएगा कि आपको कौन से भी एक एलिमेंट से करंट निकालो, कौन से भी एक एलिमेंट से करंट को फाइंड आउट करना। जैसे इस न्यूमेरिकल में बोला है कि कैलकुलेट आई 6 ओम मींस करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम यूजिंग मेश एनालिसिस। तो सिंपल एक क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको करंट को फाइंड आउट करना पड़ता है। एक सर्किट दिया है, देखो यहाँ पे एक सर्किट गिवन है 6 वोल्ट, 10 ओम, 8 ओम, 6 ओम और 4 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 6 ओम में से करंट को निकालो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस, यानी आपको क्या करना है 6 ओम में से करंट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें से कितना करंट जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल टेक्निक है, उसको आपको फॉलो कर देना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाता है और बहुत कम टाइम में आता है, टाइम कम लगता है। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या सॉल्व करना है। तो स्टेप्स स्टेप याद रखो बस। स्टेप वन क्या करेंगे, आप जो सर्किट दिया है उसको नेमिंग करोगे, सर्किट को नेमिंग करना है। नेमिंग मीन्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। जैसे देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं, इसको नेमिंग करूंगा मैं इस पॉइंट को ए, देन बी सी डी ई और एफ। सबसे पहले आपकी यही स्टेप रहेंगी कि नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई एफ, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या करना है, लूप को आइडेंटिफाई करना है। लूप मींस इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट, इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट मींस देखो यहाँ पे सर्किट में क्लोज पाथ, देखो यहाँ पे ये क्लोज पाथ दिख रही है मुझे, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। इस क्लोज पाथ को आपको नेमिंग करना है लूप वन लूप टू। जैसे ये क्लोज पाथ फर्स्ट है, इसको मैं नाम लिखूंगा लूप वन, ये क्या रहेगा आपका लूप वन, ठीक है लूप वन। इसको मैं सिंपल यहां पर लिख देता, ठीक है ये बन गया लूप वन। सेम तरीके से एक क्लोज पाथ है उधर, इसको कहूंगा मैं लूप टू, लूप नंबर टू। तो ये रहेंगे आपकी सेकंड स्टेप, लूप वन लूप टू, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या किया, नेमिंग कर दिया सर्किट को ए बी सी डी एफ। सेकंड स्टेप क्या किया आपने, लूप को आइडेंटिफाई कर दिया मींस लूप वन और लूप टू। थर्ड स्टेप क्या करना आपको, करंट एक कौन सा भी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स को कंसिडर करके करंट को शो करा देना है, करंट की डायरेक्शन को शो कराना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट 4 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे 6 वोल्ट को कंसिडर करते हैं, कौन से भी एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर देना है और उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन को शो कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट को डायरेक्शन को शो करूंगा मैं यहाँ पे, तो करंट पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, निगेटिव नीचे मीन्स प्लस माइनस। तो करंट कैसे फ्लो होगा आपका, प्लस टू माइनस, यहाँ से करंट आपका फ्लो हो रहा है मीन्स करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अब ये लूप वन में करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए इसका मैं नाम लिखूंगा आई वन, क्लियर है। लूप वन में करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए इसका नेमिंग क्या आएगा आई वन, ठीक है। उसके बाद ये करंट आपका कहाँ जा रहा है, देखो ये करंट आपका इस सेट पे जा रहा है 8 ओम में जा रहा है, उसके बाद ये करंट आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अभी देखो ये करंट लूप टू में गया, लूप टू में गया, तो लूप टू का करंट क्या रहेगा, नेमिंग सेम रखो, लूप टू है तो आई टू, लूप टू है तो आई टू, लूप वन है तो आई वन, लूप टू है तो आई टू, लूप थ्री अगर होगा तो आई थ्री, आई थ्री। तो इसमें सिंपल बात है, सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप रहेंगी नेमिंग कर दो ए बी सी डी एफ। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, लूप को आइडेंटिफाई कर देना है, लूप वन लूप टू। थर्ड स्टेप क्या करोगे, इसमें आप कौन सा भी सोर्स को कंसिडर करके करंट की डायरेक्शन को शो करा देना है। 6 वोल्ट है मेरा, तो प्लस से करंट फ्लो होगा आपका, तो यहाँ से करंट जाएगा आपका, तो लूप वन है तो आई वन, उसके बाद ये करंट लूप टू में जा रहा है तो आई टू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लेकिन एक 6 ओम आए हैं, ये ब्रांच, ये पाथ क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, दोनों लूप को अटैच है, दोनों लूप को क्या है वो अटैच है, मींस कॉमन है। तो इस टाइम पे उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, बस ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, दोनों लूप में कॉमन है तो डायरेक्टली दोनों लूप का करंट का जो उसका डायरेक्टली डिफरेंस ले लेना, क्या करोगे डायरेक्टली वो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स आई वन माइनस आई टू। तो ये जो दो लूप है 6 ओम जहाँ पे अटैच है, तो ये दो लूप है वहां पे, एक लूप वन है और लूप टू है, लूप वन का करंट आई वन है और लूप टू का करंट आई टू है। तो सिंपल आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का दो करंट का डिफरेंस मीन्स क्या आएगा यहाँ पे आई वन माइनस आई टू,
I1 माइनस I2, सिंपल, कुछ नहीं करना। जो पाथ कॉमन है चेक करो कौन से लूप में अटैच है, आई वन लूप वन है कि लूप टू है। लूप वन है तो I1 रहेगा, लूप टू रहेगा तो I2 रहेगा, सीधा दोनों का क्या करूंगा सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स I1 माइनस I2। ठीक है, ये हो गया आपका लूप करंट, ये पूरा करंट दिखा दिया आपने, इसमें से भी करंट कौन सा जाएगा आपका I2 करंट फ्लो होगा, क्लियर है। देन ये भी करंट कौन सा रहेगा आपका I2, देन यहाँ पे ये करंट आपका दिखाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होना नहीं यहाँ पे, इसको छोड़ देना, ज्यादा करंट दिखाना नहीं, सिंपल कहाँ पे करंट दिखाऊंगे जहां पे एलिमेंट्स है वहां पे, जहां पे एलिमेंट्स है वहीं पे करंट को शो करा देना। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप, तीन स्टेप हो गए यहाँ पे, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जहां जहां पे रेजिस्टेंस आते हैं, जहां जहां पे रेजिस्टेंस आ रहते हैं उसको मार्किंग करनी, उसको पोलैरिटी मार्क करना है, रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए आपको मार्किंग करनी है। मींस देखो ये करंट के डायरेक्शन को शो कर दिया, इसको चेंज नहीं करना अभी, नहीं तो यहाँ पे बोलेंगे प्लस ऊपर है तो यहाँ से करंट को उल्टा फ्लो करा दूंगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, वो भी मेथड है लेकिन अपन एक सिंपल मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपन एक ही डायरेक्शन को एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से करंट आपको इधर जा रहा है, करंट जा रहा है इधर, तो ये जो एंटर हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, जब एंटर जब होता है तो उसका साइन हमेशा कंसिडर करना है प्लस साइन। ओके, एंट्री एंटर हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो रेजिस्टेंस में क्या रहेगा प्लस साइन रहेगा और यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, लिविंग बाहर जा रहा है करंट। देखो करंट रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा है, प्लस साइन दे दिया, बाहर जा रहा है नेगेटिव बन गया, इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखो सभी जन। उसके बाद ये इधर चेक करो, ये करंट आपका I2 इधर जा रहा है, एंटर कर रहा है तो साइन कौन सा आएगा प्लस, लिव कर रहा है तो नेगेटिव, लिविंग कर रहा है मींस नेगेटिव। वोल्टेज सोर्स को देना नहीं, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी सेम होती है, जैसे बड़ी प्लेट है तो पॉजिटिव रहता है, छोटी प्लेट है तो निगेटिव होता है, ये कॉमन कंसेप्ट है, ये इसको चेंज नहीं करना। बस कहाँ पे चेंज करोगे आप मार्क, कहाँ पे करोगे रेजिस्टेंस के, इसमें ओनली रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 6 ओम रेजिस्टेंस, इसका पोलैरिटी मार्क करनी है, करंट एंटर हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है इसके लिए प्लस, और करंट लीव हो रहा है, लिविंग करंट बाहर जा रहा है इसके लिए निगेटिव, समझा। तो ये सिंपल पोलैरिटी मार्क कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या किया, नेमिंग ए बी सी डी ई एफ। सेकंड स्टेप क्या किया, लूप को आइडेंटिफाई कर दिया। थर्ड स्टेप क्या किया, कौन सा भी एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है या फिर करंट सोर्स को कंसीडर करो और उसके हिसाब से पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन को शो कर दो। लूप वाइज, लूप वन में करंट जा रहा है तो लूप आई वन दे दो, लूप टू में करंट जा रहा है तो आई टू दे दो, लेकिन जो ब्रांच कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है दोनों लूप में, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, दोनों करंट दोनों लूप का डिफरेंस, मींस I1 माइनस I2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया अपन ने कि जहां पे रेजिस्टेंस अटैच है उसको क्या करना, आपको पोलैरिटी मार्किंग शो कर दे, मींस प्लस, करंट एंटर हो रहा है तो प्लस, बाहर जा रहा है तो निगेटिव, करंट एंटर हो रहा है तो प्लस, बाहर जा रहा है तो निगेटिव, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये अप्लाई, अप्लाइंग KVL, ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप वन। तो फर्स्ट लूप के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, लूप वन के लिए, लूप टू के लिए आपको KVL अप्लाई कर देना है। तो लूप वन के लिए अप्लाई करूंगा, दैट इज लूप वन कौन सा है, नेमिंग करो उसका, ए बी देन ई और एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ इज योर लूप, क्लियर है। अब इसमें KVL क्या होता है, KVL ध्यान रखना, KVL का फॉर्मूला है समेशन ऑफ V, समेशन ऑफ वोल्टेजेस प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप को लिखूंगा मैं I into R, because V is equal to I into R, V is equal to I into R, so यहाँ पे क्या आएगा, समेशन I into R is equal to zero, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ये लॉ है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ वोल्टेज प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज ड्रॉप मीन्स V इज इक्वल टू I into R, तो वैल्यू पुट करो अभी, देखो लूप वन ही कंसिडर करो, लूप टू में जाओ मत, उसमें देखो ही मत। तो लूप वन क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कौन से भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसमें आपका एक और एक बात, जब आप स्टार्ट करोगे तो दोनों लूप में आपको एक ही डायरेक्शन से चलना है, दोनों लूप में क्या करना, आपको एक ही डायरेक्शन से चलना है, मींस क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, चेंज नहीं करना डायरेक्शन,
एक तो दोनों इस लूप में, लूप वन में आपने क्लॉकवाइज चालू किया, उसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, मीन्स क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। जो जहां पे एलिमेंट्स रहते हैं उसको मार्क कर देना इस तरीके से, यानी इस तरीके से आपका रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है, क्लॉकवाइज, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्लॉकवाइज ही रहेगा दोनों, इसमें क्लॉकवाइज, एक इसमें क्लॉकवाइज, सेकंड इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर सिंपल करना है तो दोनों इसमें सेम रखो, एक तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से भी कौन से भी एक मेथड अप्लाई करो। तो इसमें हम चलेंगे क्लॉकवाइज, वॉच की डायरेक्शन, ओके। तो चालू करो, कौन से भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, लूप वन की बात कर रहे अपन सिर्फ, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। एक अपन देखेंगे सिर्फ टेक्निकल टर्म देखेंगे, और सेकंड देखेंगे सिंपल टर्म, जिनको अगर याद पता नहीं है टेक्निकल टर्म्स क्या होती है। तो देखो यहां से चालू करेंगे, माइनस टू प्लस, माइनस से प्लस हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, उसको कहते हैं अपन पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल राइज। जब माइनस से जब प्लस होता है तो उसको लेते हैं अपन पॉजिटिव साइन, राइज जब होता है, पोटेंशियल राइज जब होगा तो कंसिडर करना पड़ता है पॉजिटिव साइन। और ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स क्या होगा, उल्टा, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव वापस आ रहा है, उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो उसमें निगेटिव साइन लेना पड़ता है, पोटेंशियल राइज में पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप में निगेटिव, ठीक है। इसके हिसाब से कर सकते हो, या फिर एक सिंपल तरीका है, जरूरत नहीं है राइज हो ड्रॉप हो, बस ध्यान दो यहाँ पे माइनस से प्लस, सेकंड साइन कौन सा है, लिविंग साइन कौन सा है वो चेक करो, सेकंड साइन कौन सा है, माइनस से प्लस, डायरेक्शन चेक करो, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, ऊपर चलना है क्लॉकवाइज, तो माइनस से प्लस, सेकंड साइन कौन सा है, प्लस, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली प्लस। कितना है वोल्टेज, है वोल्टेज सिंगल आता है सिर्फ, ठीक है, दैट मीन्स प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, क्लियर है। माइनस से प्लस, सेकंड साइन कौन सा है, प्लस है, और आपको पता है पोटेंशियल राइज होता है, माइनस से प्लस, राइज मीन्स प्लस आता है, तो आ गया प्लस। उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, देखो डायरेक्शन इधर जा रही है, डायरेक्शन इधर जा रही है आपकी, इधर जा रही है, ए टू बी जा रही है, ए टू बी, तो ए टू बी में करंट एंटर हो रहा है 10 में, प्लस में, नेगेटिव से बाहर जा रहा है, सेकंड साइन कौन सा हो गया, सेकंड साइन कौन सा है, सेकंड साइन नेगेटिव है, इसलिए मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन, सेकंड साइन की बात करो सिर्फ अब, सेकंड साइन, तो प्लस से माइनस, माइनस है 10, लेकिन आर के साथ हमेशा क्या आता है, करंट आता है, आर के साथ क्या आता है हमेशा, करंट। ये बात आप ध्यान रखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ही गलती कर देते, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते और डायरेक्टली आंसर निकाल लेते, लेकिन आपको लेना है पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जहां पे भी रेजिस्टेंस रहेगा उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, करंट आना चाहिए, दैट मीन्स आई इंटू आर, ठीक है। तो 10 इंटू क्या आना चाहिए, करंट, करंट क्या है, ये लूप वन में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, देखो आई वन, ये करंट आई वन जा रहा है इसमें, आई वन, ओके, तो ये हो गया आई वन। उसके बाद यहां से इधर जाना है, इधर आओ, नीचे आओ, देखो लूप वन, लूप टू में मत जाओ, लूप वन, देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, सेकंड साइन कौन सा है, फिर से माइनस आ गया, क्या है, रेजिस्टेंस है, तो आर के साथ हमेशा क्या आता है, करंट आता है, लेकिन ये पाथ पैरेलल है, दोनों को कनेक्ट है, दोनों को कॉमन है, इसके लिए इसमें से करंट कौन सा गया था, सब्ट्रैक्शन वाला, मीन्स आई वन माइनस आई टू, दैट मीन्स जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, आई वन माइनस आई टू। बाद में वापस यहां से जाओ, आ गए वापस, मीन्स हो गए सभी एलिमेंट, इज इक्वल टू क्या होता है ये, जीरो, समझा। स्टेप वन केवीएल, सो अप्लाइंग केवीएल इन लूप वन, इस लूप में देखो समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो, कैसे भी चालू करो लेकिन क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है माइनस से प्लस, सेकंड साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस सिक्स, वोल्टेज सिंगल आता है हमेशा, देन यहां से इधर क्लॉकवाइज प्लस टू माइनस, माइनस साइन सेकंड है तो माइनस लिख दिया, 10 है, आर के साथ हमेशा क्या आता है, करंट आता है, तो करंट कौन सा जा रहा है, आई वन, तो 10 टाइम्स आई वन। फिर नीचे आओ, इधर इधर तो जाना नहीं है अपने को, सिर्फ लूप वन देखना है, तो लूप वन में ये बात 6 ओम, प्लस से माइनस, तो माइनस 6, आर है तो आर के साथ क्या आता है, करंट आता है, दैट मीन्स आई वन माइनस आई टू, ठीक है। और दोनों ये ब्रांच पैरेलल तो करेक्ट कॉमन है, इसलिए आई वन माइनस आई टू लिया, इज इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान रखना है बराबर, कॉमन जहां पे तो करंट हमेशा डिफरेंस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन बना लो, तो देखो 6 को मैं उधर भेज दूंगा तो प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो उधर उस बाद में लिखता मैं, तो माइनस टेन आई वन, सभी को आता है सॉल्व करना इक्वेशन, सॉल्व कर सकते हो आप। तो माइनस टेन आई वन जैसे लिखा, माइनस सिक्स इंटू मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो माइनस सिक्स आई वन, देन माइनस माइनस, ये ध्यान रखना आपको, माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई कर रहे, ये ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइनस जाके लिख देते, तो माइनस टू माइनस प्लस सिक्स इंटू आई टू, दैट मीन्स सिक्स आई टू इज इक्वल टू, देखो आपने सिक्स को उधर भेजा था तो ये प्लस सिक्स था, तो इक्वल टू की जगह आता है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सिक्स, क्लियर है। अभी इसको इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो, देखो लूप वन जब सॉल्व करते दो दो करंट की टर्म्स मिलेगी, एक देखो आई वन, ये आई वन मिला, सॉल्व कर लो, तो माइनस टेन आई वन माइनस सिक्स आई वन, माइनस माइनस है तो क्या होता है, एडिशन होती है, और साइन कौन सा आता है, माइनस का, दैट मीन्स माइनस सिक्सटीन आई वन, ये ध्यान रखो कंसेप्ट, जब दो माइनस रहती है, माइनस माइनस कर रहे हैं आप, दो माइनस है तो माइनस माइनस को क्या करो, तो उसके एडिशन करना पड़ता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, उसके बाद प्लस प्लस सिक्स आई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो ये बन गया आपका, दो टर्म्स मिल गई आई वन और आई टू की, तो इसको कहेंगे अपन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, समझा। सेम तरीके से लूप टू का अपना इक्वेशन बनाओ, तो सेम तरीके से अप्लाइंग केवीएल इन लूप टू, तो सेकंड लूप में इक्वेशन बनाओ, दैट इज क्या नाम है, नाम क्या है लूप का, बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई करो, अप्लाई करो क्लॉकवाइज, चलो चेंज नहीं करना इसमें, अभी जो डायरेक्शन जो शो की है अपन ने यहाँ पे क्लॉकवाइज ही की है, तो क्लॉकवाइज चलना है, कैसे भी चलो, यहाँ से चलो नहीं तो यहाँ से चलो, नहीं तो ऐसे चलो, लेकिन क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज मीन्स इस तरीके से, चेंज नहीं करना। तो अभी अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे भी स्टार्ट करो, सिंपल है, ये ऊपर जा रहा है, देखो डायरेक्शन ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज, ऊपर ये माइनस से प्लस हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इक्वेशन लिख देंगे, मेन वाला इक्वेशन, दैट मीन्स समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ आई आर, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस से प्लस हो रहा है, ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज, दोनों इसमें क्लॉकवाइज चलना है, तो माइनस से प्लस मीन्स प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा, सिक्स टाइम्स आर है, आर के साथ हमेशा क्या आता है, करंट आता है, लेकिन करंट क्या आएगा, ये बात तो कॉमन है, कॉमन अगर रहता तो करंट कौन सा आता है, आई वन माइनस आई टू, क्लियर है, आई वन माइनस आई टू, उसके बाद इधर जाओ, ये देखो डायरेक्शन जा रही इधर क्लॉकवाइज, चलो ये प्लस से माइनस, सेकंड साइन कौन सा है, फिर से सेकंड साइन माइनस है, प्लस से माइनस, सेकंड साइन माइनस है, एट है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, तो आर के साथ क्या आता है, हमेशा करंट आता है, तो ये पाथ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये एक पाथ कॉमन नहीं है, तो करंट कौन सा जाएगा, लूप टू है, तो करंट कौन सा होगा, आई टू, करंट कौन सा रहेगा, आई टू, देखो ये आई टू करंट जा रहा है इसमें से, तो एट आई टू, उसके बाद नीचे आओ क्लॉकवाइज, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस हो रहा है, सेकंड साइन कौन सा है, माइनस, कितना है, फोर, और वोल्टेज है तो सिंगल ही आता है, ये ध्यान रखो, वोल्टेज रहेगा तो सिंगल लिखो, आर अगर है तो उसके साथ करंट लिख दो, आर अगर उसके साथ करंट लिख दो, अभी क्या करता है, हो गया पूरा कंप्लीट, चेक करो, हो गया पाथ पूरी कंप्लीट, सर्किट इज इक्वल टू क्या रहता आखिरी में, जीरो, सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, सिक्स आई वन माइनस सिक्स आई टू, देखो प्लस माइनस, तो माइनस सिक्स आई टू, माइनस एट आई टू, माइनस फोर को उधर भेज, तो इक्वेशन बनाना आपको, माइनस को उधर, माइनस फोर इक्वल टू के उधर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर, अभी लूप टू है तो दो करंट मिलेंगे आई टू के, देखो यहाँ पे आई टू और आई टू, हमेशा ध्यान रखो जो लूप में आप सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से दो करंट मिलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 6 I1 माइनस, सॉरी माइनस प्लस वो देखेंगे बाद में, तो माइनस 6 I2 माइनस 8 I2, माइनस माइनस है तो एडिशन करनी पड़ती है और माइनस का साइन आता है, तो माइनस का साइन लिख लिया मैंने, माइनस 6 और 8 कितना होता है 14 I2 इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, तो ऐसे आपको दो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन लूप वन के लिए वन,
इक्वेशन वन, लूप टू के लिए इक्वेशन नंबर टू। अभी क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व कर देना है। इसमें कैलसी आपको अलाउ रहता है, तो डायरेक्टली आप कैलसी से इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं अपन कितना आंसर आता है अपना। तो कैसे में इक्वेशन का ऑप्शन रहता है, मोड में चले जाना, वहां पे फिफ्थ नंबर पे इक्वेशन का ऑप्शन रहता है इक्वेशन, और आपको फॉर्मेट चेक करना कि कौन से फॉर्मेट है ये। ओके, तो यहाँ पे दो कॉलम आएंगे, तो इक्वेशन नंबर वन क्या है, फर्स्ट कोएफिशिएंट आपका ए रहता है, ये -16 है, -16। और आपको एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आई वन है, तो यहाँ पे भी आई वन होना चाहिए, आई वन होना चाहिए, आई टू। अगर नहीं तो इसको बराबर एडजस्ट कर दो, इज इक्वल टू आखिरी में कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -16, तो -16 इक्वल टू प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली सेल क्या होती है अदर इसमें चला जाता है कॉलम में। देन 6, बी कितना है 6, सी कितना है -6, देन इक्वल टू जैसे प्रेस करोगे तो कॉलम टू में आ जाएगा। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट 6 है +6, सेकंड -14, थर्ड 4। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको जो फर्स्ट टर्म मिलता है इसमें x और y मिलता है, x यानी आपकी फर्स्ट हो गया, y यानी सेकंड हो गया, x यानी फर्स्ट मीन्स आई वन, वाई यानी सेकंड आई टू। तो आपको फर्स्ट मिला है दैट मीन्स x, x मिला है मीन्स आई वन मिला है 0.319, करंट है तो यूनिट रहेगा उसका एम्पियर, और जब फिर से इक्वल टू करूंगे तो y मिलता है, तो y मिला आपको -0.148। तो ये दो करंट की वैल्यू मिली आपको इसमें। तो I1 कितना मिला आपको 0.319, ये मिला आपको I1 और ये मिला आपको I2। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जो क्वेश्चन में पूछा वो निकालेंगे अपन। तो अभी सिंपल पता आपको कि I1 पता है, मिस I1 ये करंट पता है, I2 के वैल्यू पता है, लेकिन आपको पूछा क्या था एग्जाम में कि 6 ओम में से करंट निकालो, 6 ओम मेरा यहाँ पे, तो 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है चेक करो, क्या है दोनों का डिफरेंस है, 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है, डिफरेंस क्या था, आई वन माइनस आई टू। तो चेक करो, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, सो करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, ये कौन सा करंट था, आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू। तो वैल्यू पुट कर दो, आई वन कितना है 0.319 माइनस, देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन लिखते नहीं है, यहाँ पे पहले से माइनस है ऑलरेडी, तो आपका फिर से एक माइनस आ गया, तो माइनस को लिखना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो एक बार माइनस अगर आ गया तो सेकंड टाइम माइनस लिखते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 0.319 माइनस दिस करंट, तो इसका आंसर निकाल लो आप कैलसी से डायरेक्टली। सो देखते हैं हम कितना आंसर आता है, तो इसका सो 0.319 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.148, तो ये आ रहा है आपका करंट आ रहा है 0.467 एम्पियर, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है 0.467, तो ये आपका फाइनल आंसर मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम। अगर कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछते कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है, I2 की वैल्यू कितनी है -0.148। अभी देखो अपन ने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अभी ये करंट कैसा है पॉजिटिव आया, करंट कैसा आया पॉजिटिव मीन्स जो आपने जो डायरेक्शन कंसिडर की थी वो बराबर है, वो राइट है, पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, इसमें कैसा हो गया निगेटिव आ गया, मीन्स अपनी जो अपन ने जो एज्यूम किया वो गलत है, रॉन्ग है, उल्टा है। उल्टा कैसे है देखते अपन, आई टू देखो, आई टू ये करंट आई टू नीचे आ रहा है, आई टू कैसा नीचे आ रहा है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है निगेटिव मीन्स आपका करंट नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो न्यूमेरिकल ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको जब आंसर लिखोगे तो डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है, कैसे करोगे देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू एट ओम, ये पूछा नहीं है तभी अपन निकालेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू एट ओम, एट ओम में से आई टू करंट जा रहा है, और करंट कौन सा ये माइनस है 0.148, लेकिन अपन माइनस नहीं लिखेंगे इसका आंसर, देखो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव कर देना पड़ेगा इसको 0.148,
148, डायरेक्शन मेरी आई टू की निगेटिव है, नीचे जा रही है, डायरेक्शन नीचे जा रही है, मुझे सिर्फ इसके डायरेक्शन को उल्टा कर देना है, मीन्स ऊपर, मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी है आपकी, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, माइनस जब था तो आपका करंट नीचे की तरफ जा रहा था, ये मेरा निगेटिव, नीचे जब जाएगा तो मेरा करंट निगेटिव रहेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका करंट पॉजिटिव आना चाहिए आंसर करंट, इसलिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स आपका करंट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर पूछते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम में कितना है करंट, करंट कौन सा जा रहा है 10 ओम में से, I1, तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.319, I1 की वैल्यू कितनी है 0.319, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात इसमें और एक पूछ सकता है इसमें, और मैं ऐड कर देता हूँ आप लोग को, और ऐड कर देता हूँ, यानी आपका एक ही न्यूमेरिकल आपका मास्टर बन जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया I1 हो गया, इसको भी हम लिख लेते हैं, यानी एक ही न्यूमेरिकल में आपको पूरी वैल्यू मिल गई, कौन सा भी पूछे आपको सिंपल आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 10 ओम में से आपको पता है कि I1 करंट जा रहा है मेरा, तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 0.319, और पॉजिटिव वैल्यू है मीन्स करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस सेट पे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, इस सेट, पहले आप यूनिट लिख लीजिए एम्पियर, उसके बाद करंट की डायरेक्शन को मार्क कर दीजिए, समझा, तो इस तरीके से रहेगा, करंट इधर जा रहा है मेरा तो पॉजिटिव है, निगेटिव का रहता तो करंट मेरा इधर जाता था, चेंज करना पड़ता डायरेक्शन। इसमें एडिशन पार्ट यह है कि आपको इसमें पूछ सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है, जो आपने केवीएल में अप्लाई किया था, समेशन ऑफ वी प्लस समेशन वोल्टेज ड्रॉप वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आपको इसमें पूछ सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको पूछ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस में से 8 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, क्लियर है, वोल्टेज ड्रॉप तो फार्मूला तो पता है आपको, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, सो करंट चेक करो, करंट क्या था, तो करंट कौन सा है इसमें आई टू, चेक करो करंट कौन सा जा रहा था आई टू, रेजिस्टेंस वैल्यू पता है आई टू कितना है मेरा, निगेटिव साइन अभी लेना नहीं है कि वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, उसी कैलकुलेशन के लिए अपने एजम्पशन किया था, इसके लिए वो निगेटिव आ गया था, लेकिन बाद में अपने चेंज कर दिया, सो 0.148 इंटू आर, आर कितना है 8, सो सॉल्व कर लो, सो 0.148 इंटू 8 ये आ गया आपका आंसर 1.184 वोल्ट। वैसे आप किसी का भी वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वोल्टेज ड्रॉप आपका 6 ओम, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कौन सा रहेगा आई1 माइनस आई2, आई1 माइनस आई2 तो पता है अभी करंट, इंटू रेजिस्टेंस ये तो पता है, पूछ सकता है कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम में तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कितना है I1 है, I1 की वैल्यू पता है, आर भी पता है, तो ये है सिंपल न्यूमेरिकल ऑन KVL। इसकी और एक वीडियो बनेंगी क्योंकि सर्किट थोड़ा डिफरेंट होता है, कभी कभी करंट सोर्स में आ जाता है, तो इसका आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे KVL के ऊपर कम से कम 3-4 मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा वो KVL का पार्ट आपका कवर हो जाएगा, तो ये सिंपल मेथड्स हैं जिससे आप KVL के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके सिंपल मेथड है, क्योंकि कोई कोई बुक्स में डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करना पड़ता है वोल्टेज के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से, जब सोर्स के हिसाब से करते हैं तो पूरी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे हम चेंज नहीं करते कुछ, तो उस टाइम पे अपनी गलती हो जाती है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सिंपल मेथड है कि ये वाली एक ही डायरेक्शन एज्यूम करो, क्लॉकवाइज चलो, पूरा क्लॉकवाइज ही कर दो, सभी को क्लॉकवाइज चलो, इक्वेशन बनेंगे दो इक्वेशन सॉल्व करो, जिनके पास अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उस टाइम पे क्रैमर्स रूल्स आता है, क्रैमर्स रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में तो कैलसी अलाउ रहता है एग्जाम में, तो उस टाइम पे फिर आप आराम से कैलसी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये इस तरीके से आंसर मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो आएंगी, इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लेंगे, कभी कभी ये कॉमन ब्रांच में वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज सोर्स भी होता है, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है, सो थैंक यू।